नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। आइए देखते हैं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। दिल्ली में आईएस आतंकी समेत 3 गिरफ्तार, कई जगह की थी रेकी। महाराष्ट्र के सरकारी अस्पताल में 24 घंटे में 24 मरीजों की मौत। ऋषि सुनक ने बनाया फ्रेंड्स ऑफ इंडिया ग्रुप, भारतीयों के साथ 12 सभाएं की। हिमाचल में क्रिप्टो के नाम पर 200 करोड़ से ज़्यादा की ठगी। इधर बिहार में जातीय सर्वे पर पीएम का ग्वालियर से तंज। विपक्ष ने 6 दशक तक जात पात में देश बांटा, आज भी यही पाप कर रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की बेटी ने पूजा की, बेटे ने कहा था सनातन डेंगू। जेल में इमरान से सुलह की कोशिश में पाक सेना जवाब मिला, पहले मुझे रिहा करो बाद में देखेंगे। राहुल ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में की सेवा, झूठे बर्तन भी धोए। भाजपा को 10 साल मुस्लिम वोट की जरूरत नहीं, शर्मा ने कहा। यूपी में जमीन विवाद में 6 की हत्या, 5 एक ही परिवार के, 2 आरोपी गिरफ्तार। ब्रिटेन में ईवी के इंश्योरेंस से बच रही कंपनियां, महंगा भी किया। पश्चिम बंगाल में 11 साल की मासूम की दुष्कर्म के बाद हत्या, नदी में मिला शव। अमेरिका में 4th विश्व सांस्कृतिक महोत्सव, श्री श्री रविशंकर बोले संसार एक परिवार, शांति इसका लक्ष्य। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।